सावधान। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सव्यसाहूनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते वहे अरिहंता दि महान करी मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मुझ की माँ का प्रकाशन करने वाला यह अनुपम एवं अद्भुत ग्रंथ मुझ मार प्रकाशक जी, जिसकी रचयिता आचार्य कल पंडित श्री टोडामल जी हैं, जो कि नौ अधिकारों में निबद्ध है, उसके पहले अधिकार में हमारी चर्चा श्रोताओं के स्वरूप पे चल रही है कि जो उचित शास्त्र हैं उनके श्रोता कैसे होने चाहिए, उन श्रोता का क्या स्वरूप होना चाहिए। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया उसमें, श्रोता कैसे होने चाहिए, आशावान होना चाहिए, वो तो वक्ता वक्ता के स्वरूप में भी नहीं था। ये तो वक्ता के स्वरूप में भी ये था कि जिसकी आशा अस्त हो गई हो, आशावान होना चाहिए, ये तो वक्ता के स्वरूप में भी नहीं था। आशावान होना चाहिए ये कहाँ लिखा हुआ था, शब्द आया लेकिन आशावान होना चाहिए ये कहाँ लिखा हुआ था, है ना, तो इसलिए उसका लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, तो श्रोता को क्या होना चाहिए, श्रोता कैसे होनी चाहिए। हाँ, और देखो, सबसे पहले तो उसको अपना प्रयोजन पता होना चाहिए कि मेरा प्रयोजन क्या है, फिर उस प्रयोजन की सिद्धि किसके माध्यम से होगी, ये दो बातें तो उसको पता होनी ही चाहिए कि मेरा प्रयोजन क्या है और मेरे उस प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी। तो जब वो प्रयोजन अपना ढूंढने जाएगा तो फिर वो ये विचार करेगा कि मैं हूँ कौन वास्तव में। पहली बात तो भाई मुझे मेरा प्रयोजन पता करना है तो मैं हूँ कौन, मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए। मुझे यदि यही नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ तो मेरे प्रयोजन की तो मैं बात ही नहीं रही। यदि मेरा प्रयोजन क्या है ये हमको पता करना है तो सबसे पहले तो मैं कौन हूँ इसका पता होना चाहिए, है ना। तो वो कर क्या रहा है, अपने प्रयोजन का पता कर रहा है कि मेरा प्रयोजन क्या है। तो अपने प्रयोजन को पता करने जाएंगे तो सबसे पहले आएगा कि मैं हूँ कौन वास्तव में, और मैं जो हूँ वो कहाँ से आया हूँ, कि मैं जीव हूँ तो मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, और मैं मरकर कहाँ जाऊँगा, मरूँगा कि नहीं मरूँगा,
मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, कहाँ से आया हूँ, ये जो मेरे भाव बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, उन भावों का क्या फल होगा, ये सारी चीज़ें विचारेगा। फिर मुझे अभी वास्तव में दुख है कि नहीं है, क्योंकि अज्ञानी जीव को बाह्य में जब अनुकूलता मिलती है तो अनुकूलता में उसको दुख भाषित नहीं होता, कि जब सुख रूपी संयोगों की या साता वेदनीय के उदय से या पुण्य के उदय से कहें कि जो उसको संयोग मिले हैं अच्छे, जिनसे उसको साता रूप अनुभव हो रहा है, मी सुख का अनुभव हो रहा है, तो उसको लगता ही नहीं है कि मैं दुखी हूँ, तो उसमें वो सुख मान लेता है। तो सबसे पहले तो उसको ये लगे कि हाँ, ये अनुकूलताएं भी दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है, है ना। चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, दोनों ही दुख का कारण है, है ना। हमको लगती है कि नहीं लगती है अनुकूलताएं दुख का कारण? लगती हैं। कौन सी अनुकूलता दुख का कारण लगती है आपको, ये बताओ। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो ले तो लेते हैं, लेकिन उनके बाद जो उनमें साफ सफाई करो, ये भी तो दुख का ही कारण नहीं, लेकिन वो अनुकूल तो दुख का कारण कहाँ लग रही है आपको? आपको जो वो आइटम्स में जो उसको साफ करने की मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए आपको वो चीज़ दुख का कारण लग रही है। वो अनुकूलता आपको दुख का कारण कहाँ लग रही है? जिस समय आपने मान लो एसी लगाया हुआ है, जिस समय आपने एसी चलाया हुआ है, उससे आपको लगता है कि दुख का कारण है? जिस समय आपने गर्मियों में पंखे कूलर चलाए हुए हों, तो क्या आपको लगता है कि दुख का कारण है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अनुकूलताओं में भी दुख लगना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जीव दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मैं दुखी हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, पहले इसका तो पता करें। ये दुखी हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ पहले ये विचार किया, फिर यही दुखी हो रहा हूँ तो क्यों हो रहा हूँ, और उसका रीज़न क्या है दुखी होने का? सुख को चाहना दुख होने का कारण है। दुखी होने का कारण क्या है? नहीं, आपने अपना स्वरूप को नहीं पहचाना होगा। और कोई आंसर? दुख का कारण क्या है दुख होने का? दुख का कारण अच्छा, सुख दुख का प्रबल कारण क्या है? एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये पढ़ चुके हैं हम आज पहले इसी ग्रंथ में। सुख दुख होने का प्रबल कारण, सुख दुख होने का प्रबल कारण क्या है? मंगलाचरण करने के कारण में आया था। सुख दुख होने का प्रबल कारण तो कर्म का उदय है, आया था नहीं आई थी लाइन? देखो तो याद रखा करो ऐसे, देखो ये आया था, ये देखो पेज नंबर 9 पे है कि जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं, इसीलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। मिल गया तो याद रखा करो ऐसे, है ना। तो जीव दुखी हो रहा है, ये तो उसका कर्म को देख के अपेक्षा बताया, कि कर्म को देख के अपेक्षा मीन से माँ तो निमित्त सुख दुख का कारण नहीं है, ये बताना था कि निमित्त सुख दुख का कारण नहीं है, बल्कि कर्म का उदय सुख दुख का कारण है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि दुखी होने का कारण क्या है, तो जो पर में हमारी महत्व बुद्धि है, पर में जो हमारी कर्तत्व बुद्धि है, या जो मिथ्या रूप बुद्धि है,
वो मिथ्या बुद्धि ही दुख का कारण है और कोई दूसरा दुख का कारण नहीं है। तो पर में ममत्व करना, पर में कर्तृत्व करना, पर में भोक्तृत्व की बुद्धि, कर्तृत्व की बुद्धि, ममत्व की बुद्धि, ये जो बुद्धियाँ हैं हमारी जो मिथ्या रूप हैं, ये बुद्धियाँ ही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं है। तो दुखी हो रहा हूँ, दुख का कारण ये है। अब ये दूर कैसे हो, कि दुख के दूर करने का उपाय क्या है? फिर इतना वो विचार करता है और ऐसा विचार करके वो उद्यम बंत हुआ है। किसके लिए उद्यम बंत हुआ है? उस दुख को दूर करने के लिए, कि उसके उपाय को प्रकट करके, उसके उपाय को करके मैं दुख को दूर करूं। अब उस उपाय की सिद्धि किससे होती है? ग्रंथ से बताओ क्या है, क्या लिखा हुआ है? इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है, ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक, रुचि पूर्वक शास्त्र को सुनता है। कुछ पूछना हो तो पूछता है। कितने स्वाध्याय के अंग आए थे इसमें? कर ठीक है, तो इतना तो याद है। तथा तो गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है और उस वस्तु का निश्चय करके जो अपना कर्तव्य है उसका उद्यमी होता है। ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। फिर उसके बाद बताया कि जिसको जैन धर्म की गाढ़ श्रद्धा हो, जिसको जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा हो, जिसका कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जैन धर्म का उसका श्रद्धा नहीं टूटे, कि चाहे कोई कुछ भी कह दे लेकिन ये वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है तो नहीं है। जीव कर्म का कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर्म का अभाव नहीं कर सकता जीव? तो फिर आपने तो बोला कर्म कुछ नहीं कर सकता। कर्म का कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता जीव? कर्म क्या है? कर्म है क्या है? जीव है कि पुद्गल है कि क्या है? तो जीव पुद्गल का कार्य कर सकता है? कार्य तो नहीं कर सकता, लेकिन तो फिर परम कार्य में भाव जीव कर्मों का अभाव करता है कि नहीं करता है? जीव कर्मों का अभाव करता है। ये सब कथन पद्धति है ना, वो भी व्यवहार से बोला जाता है कि वास्तव में तो जीव कुछ कर ही नहीं सकता ना। आज एक है ना, तो क्या कह रहा था मैं कि वो जैन धर्म पे उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ हो, उसने वस्तु स्वरूप का इतने सही तरीके से निर्णय किया हो कि चाहे कोई कुछ भी कहे, है ना। मैंने पहले क्वेश्चन बोला उसमें तो आपने बोल दिया कि नहीं, लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन बोला कि जीव कर्म का अभाव कर सकता है तो आपने बोला हाँ, है ना। तो उस चीज़ का वस्तु स्वरूप हमारे ख्याल में हो कि वास्तव में वस्तु का स्वरूप क्या है। नहीं तो एक एक जीव कर्म का कुछ कर ही नहीं सकता है। बोलिए क्या पूछ रहे हो? जैसे जीव कर्म का अभाव कर सकता है, एक ना इसे तो सही है ना। हाँ, एक ना इसे कहिए, मैं कब मना कर रहा हूँ? हाँ तो उस चीज को सही माना जाए, गलत माना जाए? तो भाई ना, कि भाई मैं कह रहा हूँ कि उस वस्तु स्वरूप को उसने सही तरीके से निर्णय किया हो, क्योंकि सामने वाला कुछ कहे तो उसने बहके नहीं। तो आपका जवाब यह आना चाहिए था कि जीव कर्म का अभाव तो नहीं करता है, लेकिन इसने ऐसे हम कह सकते हैं। आपका जवाब यह आना चाहिए था ना। तो है ना, तो उसकी जैन धर्म पर इतनी गाढ़ श्रद्धा हो कि चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई दुर्व्यवहार करे, बुरा भला कहे, कुछ भी कहे, ले उसकी जिन धर्म से श्रद्धा ना हटे, है ना। तथा नाना शास्त्र सुनने से जिनकी बुद्धि निर्मल हुई हो और जिसको निश्चय व्यवहार आदि का स्वरूप भी भली भांति पता हो, क्योंकि यदि उसको पता नहीं होगा तो वक्ता निश्चय से कथन करेगा, वो उसको व्यवहार से समझ सकता है। वो व्यवहार से कथन करेगा, वो उसको निश्चय का समझ सकता है। कि यदि वक्ता ये भी करे कि ये मेरा शरीर है, वक्ता ऐसा भी कथन कर सकता है। लेकिन यदि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप हमारे माइंड में नहीं है तो हम तो क्या मानेंगे? कि जिनवाणी में लिखा है कि ये मेरा शरीर है,
तो ये शरीर तो मेरा है ना, लेकिन किस नय से कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, किस नय से कहा जा रहा है ये सफिशियंट नहीं है। उस नय से कहा जा रहा है लेकिन कहा क्यों जा रहा है, उसको कहने का प्रयोजन क्या है। कि व्यवहार नय से भी यदि ये कहा जा रहा है कि मेरा शरीर है, तो वहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि शरीर आपका है। वहाँ प्रयोजन सिर्फ इतना है, एक लौकिक प्रयोजन को साधने के लिए, कि लौकिक में जो लौकिक परंपरा चल रही है कि ये शरीर यदि मैं अपना नहीं कहूँ तो भी शरीर किसका है। इसीलिए वहाँ पर कथन किया कि सिर्फ नय से जानना ही सफिशियंट नहीं है, उसका प्रयोजन भी क्या है, कि उस नय का प्रयोजन क्या है ना। इसमें आठवें अधिकार में आएगा वैसे तो, चारों अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति, उनकी प्रयोजन पद्धति, उनका क्या प्रयोजन है, उनकी व्याख्यान कैसे होता है, वो उसमें आएगा चारों अनुयोगों में। लेकिन हमको जैन धर्म पर श्रद्धा इतनी दृढ़ हो कि चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन वो श्रद्धा हमारी हटे नहीं। तथा नाना, मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल दिया था इस पे? हाँ, गाढ़ श्रद्धानी पे एग्जाम्पल दिया था। हाँ नहीं, वो तो मैंने कल दिया था, उससे पहले भी दिया था मैंने एक एग्जाम्पल, हाँ देवती रानी का। तो इतनी दृढ़ श्रद्धा हमारी हो कि हमको सामने दिख रहा है कि समूचरण लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रही है, क्योंकि उसको श्रद्धान है कि 25 तीर्थंकर होते ही नहीं है। चाहे इंद्रों ने समूचरण जैसी रचना कर दी हो, देवों ने, चाहे सब कुछ एज इट इज है जैसा समूचरण में होता है, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ है। तो इतनी दृढ़ श्रद्धा जिसकी हो, वास्तव में वही सच्चा श्रोता है। तथा नाना शास्त्र सुनने से जिसकी बुद्धि निर्मल हुई हो, कि जिसने नाना शास्त्रों को सुन के उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई हो, और निश्चय व्यवहार आदि का स्वरूप भी उसको भली भांति ख्याल में हो, कि जो कथन किया जा रहा है वो निश्चय से किया जा रहा है कि व्यवहार से किया जा रहा है, उसका स्वरूप भली भांति जानकर जिस अर्थ को सुनते हैं उसे यथावत निश्चय जानकर अवधारण करते हैं। हाँ? तथा जब प्रश्न उठता है तब अति विनयवान होकर प्रश्न करते हैं। पेज नंबर है 17। और जब प्रश्न उठता है, कोई शंका आती है, तो अति विनय पूर्वक प्रश्न करते हैं, अथवा अनेक प्रश्नोत्तर करके वस्तु का निर्णय करते हैं, कि आपस में भी चर्चा करके प्रश्नोत्तरों के माध्यम से उस वस्तु का निर्णय करते हैं कि हाँ वस्तु ऐसी ही है। शंका आए तो एक तो वक्ता से पूछ लिया, वक्ता से प्रश्न किया तो अति विनयपूर्वक किया, और नहीं तो आपस में ही चर्चा करके प्रश्नोत्तर करके उस वस्तु का निर्णय करते हैं। शास्त्र अभ्यास में अति आसक्त हैं, जैसे जीव अभी वर्तमान में भोगों में आसक्त है, वैसी आसक्ति शास्त्र अभ्यास में होनी चाहिए। धर्म बुद्धि से निंद कार्यों के त्यागी हुए हैं, कि जिनको लौकिक में जिन कार्यों को निंदनीय कहा जाता है उन कार्यों के त्यागी हुए हैं। मारपीट करना, क्रोध करना, गाली देना, ईर्ष्या करना, जितने भी निंदनीय कार्य हैं, सप्त व्यसन आदि के कार्य जितने भी कार्य हैं, उनको तो मैंने उनका नाम इसलिए लास्ट में लिया है, सप्त व्यसन आदि को तो ये सामान्य जैन भी बुरा कहता है, लेकिन गाली देना, मारपीट करना, क्रोध करना, इनको वो मानता ही नहीं है कि निंदनीय कार्य हैं। तो ये कार्य भी कैसे निंदनीय हैं, क्योंकि लौकिक में भी हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, बहुत ज़्यादा क्रोध करता हो, बहुत ज़्यादा मारपीट करता हो, तो लोक में भी उसकी निंदा होती है कि ये बहुत ज़्यादा क्रोध करता रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, घर में मारपीट करता रहता है, बाहर भी मारपीट करता रहता है। लौकिक में भी हम देखते हैं कि ऐसे कार्यों से निंदा ही मिलती है, तो ये कार्य भी निंदनीय हैं। तो ऐसे निंदनीय कार्यों का त्यागी हुआ हो, ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। किन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए? उन शास्त्रों के लिखा हुआ है ना इसमें, किन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए? उन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए, किन शास्त्रों के? और सुख की प्राप्ति हो, ऐसे शास्त्रों
यह श्रोता का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, उसमें लिखा है ऐसे उन शास्त्रों के श्रोता होना चाहिए। किन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए? सच्चे जो सच्चे देवशास्त्रों। मेरा यहाँ प्रश्न है कि कौन से शास्त्र वासने सुनने योग्य हैं। मेरा यह प्रश्न डायरेक्ट ये है कि किन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए, कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का। लेकिन उसमें क्या आया था? उसमें देवशास्त्र गुरु का तो नाम ही नहीं आया था। उसमें नाम आया था क्या देवशास्त्र गुरु का? नहीं आया था ना। क्या आया था? जो मुच के माँ का प्रकाशन करे, बीतरा भाव का पोषण करे, राग देश भो भावों को निंदनीय बताए, राग देश भो भावों का पोषण ना करता हो, स्वादवाद चिन्ह से पहचानने योग्य हो, न्याय मार्ग से अविरुद्ध हो, ये सारे आए थे ना उसमें। तो ऐसे उन शास्त्रों के ऐसे श्रोता होने चाहिए। तो पहले पैराग्राफ में बताया कि नवीन श्रोता कैसा होना चाहिए, कि जो श्रोता नया है बिल्कुल, वो नवीन श्रोता भी कैसा होना चाहिए, कि उसकी होनहार तो भली है ही, वो तो उसके हाथ का नहीं है, वो तो उसकी होनहार भली है, लेकिन उसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे जो भाव बने रहे हैं वो क्यों बने रहे हैं, उनका फल क्या लगेगा, मैं दुखी हो रहा हूँ तो दुख होने का कारण क्या है, मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, वो सुख का मार्ग कहाँ मिलेगा, उसमें फिर प्रीति पूर्वक लगे, उसमें उद्धव बंध हो, ऐसा उन शास्त्रों का नवीन श्रोता है। और ये जो बताया आगे कि जो जैन धर्म का गाढ़ श्रद्धानी हो, जिसकी बुद्धि निर्मल हुई हो, नित्य व्यवहार आदि का स्वरूप जानता हो, ये श्रोता, ये नवीन श्रोता नहीं है, ये श्रोता जो है, जो श्रोता होने चाहिए। नवीन श्रोता का स्वरूप ऊपर आया, वो वारे गुण भी असल तो नवीन श्रोता का जो स्वरूप है वो जो डेली के श्रोता हैं उनमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनमें वो तो होना ही चाहिए है ना। उसके अलावा ये भी उसमें गुण होने चाहिए कि जैन धर्म का श्रद्धानी हो, नित्य व्यवहार आदि का स्वरूप जानता हो, शास्त्र अभ्यास में आसक्त हो, धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी हुआ हो, ये सारे गुण होने चाहिए। ये लक्षण हो गए सामान्य लक्षण। अब विशेष लक्षण क्या है? ऐसा मैंने वक्ता के स्वरूप में पूछा था, महान वक्ता कौन है? सर्वज्ञ हैं। और महान श्रोता कौन है? कौन है महान श्रोता? महान वक्ता अगर पूछा जाए कभी भी, तो महान वक्ता तीर्थंकर केवली हैं, सर्वज्ञ भगवान ही हैं, और श्रोता गणधर हैं। महान श्रोता, सबसे उच्च, सबसे उत्कृष्ट श्रोता गणधर देव हैं, जो दिव्य ध्वनि को साक्षात झेलते हैं, जो दिव्य ध्वनि को साक्षात सुनते हैं, है ना। तो महान वक्ता या उत्कृष्ट वक्ता की बात करें तो तीर्थंकर केवली, और उत्कृष्ट श्रोता की बात करें तो गणधर देव। तो श्रोताओं के विशेष लक्षण कैसे होने चाहिए? यदि उसे कुछ व्याकरण न्याय आदि का तथा बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। कि उसको यदि व्याकरण का, न्याय आदि शास्त्रों का भी ज्ञान हो और जो बड़े जैन शास्त्र हैं उनका ज्ञान हो तो उसको विशेष श्रोतापना होता है, श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी श्रोता हो किंतु उसे आत्मज्ञान ना हुआ हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सके। इसीलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। कि जिसको व्याकरण न्याय आदि का भी ज्ञान हो, बड़े जैन शास्त्रों का भी ज्ञान हो, लेकिन यदि आत्मज्ञान ना हो तो उपदेश का मर्म नहीं समझ सकता। कि जैसा उपदेश का मर्म आत्मज्ञानी समझेगा वैसा मिथ्यष्टि नहीं समझ सकता। तो यदि आत्मज्ञानी हो तो और भी भला है। ये अब विशेष लक्षण जो बताए जा रहे हैं वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट रूप से हैं। पहले सामान्य लक्षण बताए थे, उसके बाद इसको व्याकरण न्याय आदि का ज्ञान है, बड़े जैन शास्त्रों का ज्ञान है, उसको थोड़ा और उत्कृष्ट श्रोता मान लें। फिर जो आत्मज्ञानी है, जिसको आत्मज्ञान हुआ है, जो आत्मस्वरूप का आस्वादी हुआ है, जिसने आत्मा का रस लिया है, वो और भी उत्कृष्ट श्रोता हो गया। वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, क्योंकि वास्तव में वही जिन धर्म के रहस्य को जानता है जिसने अपनी आत्मा को जाना है, जिसने वस्तु स्वरूप को जाना है उसी ने जिन धर्म के रहस्य को जाना है। तो इसीलिए वो जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है।
तथा जो अतिशय बंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्य से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। कि जो अतिशय बंत बुद्धि से अथवा अवधि मन पर्य से संयुक्त हो, अतिशय बंत बुद्धि से कह सकते हैं इसका क्षयोपशम बहुत ज़्यादा हो, है ना। केवल क्षयोपशम की बात नहीं है, लेकिन अतिशय बुद्धि का मीन्स है उसका क्षयोपशम इतना हो कि वो उसको ग्रहण कर सके, ग्रंथ को, ग्रंथ के सार को, जिन धर्म के रहस्य को ग्रहण कर सके। और अवधि मन पर्य से संयुक्त हो, अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान से संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता जानना। ऐसे श्रोताओं के विशेष गुण हैं ऐसे जिन शास्त्रों के श्रोता होने चाहिए। पुनश्च शास्त्र सुनने से हमारा भला होगा, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं परंतु ज्ञान की मंदता से विशेष समझ नहीं पाते, उनको पुण्य बंद होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। कि जिनका केवल इतना इतनी बुद्धि है कि चलो शास्त्र सुनते हैं हमारा कुछ भला हो जाएगा, कि शास्त्र सुनने से भला होता है, ऐसी बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं लेकिन उनकी ज्ञान की मंदता इतनी है कि वो उसको विशेष समझ नहीं पाते, तो उनको पुण्य बंद होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। क्योंकि उनकी ज्ञान की मंदता इतनी है कि वो वस्तु स्वरूप को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनका जो विशेष कार्य है, विशेष कार्य में क्या लेना, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता। इसका क्या मीन्स है, कि उसका जो वास्तव में जो प्रयोजन है सुखी होने का, भीतरा विज्ञान रूप होने का, वो कार्य सिद्ध नहीं होता लेकिन पुण्य बंद होता है। इसका मीन्स क्या है, दूसरे शब्दों में कहें कि यदि समझ में ना भी आ रहा हो तो भी शास्त्र तो सुनने बैठे हैं, है ना, कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम पुण्य बंद तो होगा, क्योंकि उतने समय तक कसाय की ममता रहेगी तो पुण्य बंद तो होगा। कि यदि हम ये सोचें कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, हमारे को समझ में नहीं आता, हमारी तो बुद्धि बहुत कम है और हम सुनने ना आए, तो उस समय हम क्या करेंगे, सांसारिक कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ पाप के कार्य करेंगे। तो समझ में ना भी आए तो भी शास्त्र तो सुनने आए, क्योंकि उससे पुण्य बंद होता है, विशेष कार्य सिद्ध नहीं होता लेकिन पुण्य बंद तो होता है। तथा जो कुल प्रवृत्ति से अथवा पद्धति बुद्धि से अथवा सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं, अथवा सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। कि जो कुल प्रवृत्ति से, कि हम तो जैन हैं, जैन कुल में जन्म लिया है तो हम सुनने चलते हैं, उनको इतना भी नहीं है कि जैन शास्त्र सुनने से भला होता है हमारा, उसकी ये बुद्धि भी नहीं है। वो किस लिए सुन रहा है, कुल परंपरा से, कि मैं जैन हूँ तो सुनना चाहिए, नहीं सुनूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि जैन होके नहीं सुनता है। तो कुल परंपरा से सुने या पद्धति बुद्धि से सुने, कि ऐसी पद्धति चली आ रही है हमारे कुल में, कि हमारे कुल में हमारे दादा भी सुनते थे, हमारे पिताजी भी सुनते थे तो हम भी सुने, तो ऐसी पद्धति चली आ रही है, पद्धति बुद्धि से सुनने बैठ रहा है कि भाई हमारे दादाजी सुनते थे, पिताजी सुनते थे तो हम भी सुने। या फिर सहज योग बनने से, है ना, कि वो मंदिर आया, वो साथ सुनने नहीं आया, स्वाध्याय करने नहीं आया, वो मंदिर आया, लेकिन स्वाध्याय चल रहा था तो बैठ गया, सहज योग बन गया। या फिर चलो आज दोस्त जा रहे हैं स्वाध्याय करने, चलो मैं भी चलता हूँ, उसका विचार नहीं था जाने का, उसको कुछ भी नहीं है कि भला होता है कि क्या होता है, लेकिन योग ऐसा बन गया, सहज रूप से ही चला गया। तो कुल परंपरा से, पद्धति बुद्धि से, सहज योग बनने से जो शास्त्र सुनते हैं, एक बात। दूसरी बात, सुनते तो हैं परंतु कुछ अवधारण नहीं करते, कि बैठ गए, सुन लिया और निकल गए, क्या बताया, क्या आया उसमें, क्या सीखना चाहिए उसमें, क्या ग्रहण करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या सही था, क्या गलत था, कुछ भी अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम अनुसार कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। कि उनके उस समय जैसे परिणाम रहे, देखो जो जीव इस प्रयोजन से आया है कि साथ सुनने से भला होता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, उसको तो कहा कि पुण्य बंद होता है, और जो पद्धति बुद्धि से, कुल परंपरा से, सहज योग बनने से सुनने आ रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं कि कदाचित पुण्य बंद होता है, कदाचित पाप बंद होता है। सुन तो दोनों ही रहे हैं, तो ये अंतर क्यों आया, कि जो पहले वाला है उसको ये है कि सांस सुनने से हमारा भला होता है, ये तो
तो वो वहाँ पर परिणाम लगाएगा उसमें, और जब परिणाम वहाँ लगाया गया तो उसकी कसाय की ममता ऑटोमेटिकली होगी, तो उसको पुण्य का बंध होगा। लेकिन जो कुल परंपरा से देखा देखी या फिर यश प्राप्ति के लिए कि है ना कि लोग में यदि मैं नहीं बैठूंगा तो लोग कहेंगे देखो ये तो बैठता ही नहीं है, इस बुद्धि से सहज योग बनने से बैठे, तो जैसे उसके परिणाम लगे उस समय उसके परिणाम लगे कसाय की ममता हुई तो पुण्य बंध होगा। और यदि यहाँ बैठे बैठे भी वो कुछ और ही सोच रहा है, उसका माइंड कहीं और है, वो तो दिखाने के लिए बैठा हुआ है, तो भी पाप बंद होगा। तो जिस समय उसके जैसे परिणाम हो उस परिणाम के अनुसार कभी पुण्य बंद होगा कभी पाप बंद होगा। तथा जो मद मत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करने का ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो मेहनता के हेतु तथा अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु से शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। कि जो मदमत्सर भाव से शास्त्र सुनते हैं कि मान की पुष्टि के लिए अपने यश की प्राप्ति के लिए, ऐसे मदमत्सर भाव से या फिर जिनका अभिप्राय कि वह वाद विवाद करने का हो, तर्क करने का हो कि अच्छा आज वो वाले वक्ता आए हैं, चलो हम चलते हैं देखते हैं वक्ता कैसा बोलते हैं, या चलो वक्ता से आज क्वेश्चन करते हैं हम वाद विवाद करेंगे, हम तर्क करेंगे, चलो बैठते हैं, ऐसी बुद्धि से जो बैठा है मदमत्सर भाव से या वाद विवाद करने का जिसका अभिप्राय है, तर्क करने का अभिप्राय है। देखो तर्क दो तरह से है, एक तो किसी के समझ में नहीं आ रहा है, जब वो कोई शंका कर रहा है उसको तर्क करना नहीं बोलते हैं, उसको तो शंका करना बोलते हैं। लेकिन जो वाद विवाद करने के लिए, तर्क करने के लिए कि सामने वाले से हम देखते हैं सामने वाले में कितनी बुद्धि है, सामने वाला कितना जानता है, हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा तो तर्क करने का जिसका अभिप्राय है, तथा जो मेहनता के हेतु कि मैं बड़ा दिखूं, कि मैं सामने वाले से प्रश्न पूछूं, सामने वाला समाधान नहीं कर पाए तो क्या लगेगा कि देखो मैं बड़ा हूँ, तो ऐसे मेहनता के हेतु अथवा किसी लोभाधिक प्रयोजन के हेतु, या फिर उसका कोई और लौकिक प्रयोजन साधने की इच्छा है, या कुछ लोभ की उसका कुछ लोभ है, ऐसा सांसारिक लोभ है कि वो कुछ कार्य की सिद्धि करना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है कि मैं आता हूँ, और उसको दिखा के वो कुछ कार्य की सिद्धि करना चाहता है, ऐसा जिसका प्रयोजन हो, ऐसे हेतु से ऐसे प्रयोजन से जो शास्त्र सुनते हैं, एक बात तो ये जो शास्त्र सुनते हैं उनको भी, और जो शास्त्र सुनते हैं परंतु सुहाता नहीं है, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता कि जो जिनेन्द्र देव की वाणी आ रही है उसको अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं है, तो ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। तो उन्होंने यहाँ श्रोताओं को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, जो पहले का जितना लक्षण बताया उनके अलावा श्रोता हैं ये, वो तो जो अब तक जो लक्षण बताए, नवीन श्रोता का स्वरूप बताया, फिर श्रोता का सामान्य लक्षण बताया, पिछले लक्षण बताया, उन श्रोताओं की तो बात ही नहीं है, है ना, उनको तो पुण्यबंदी होगा उस समय और धर्म भी होगा, यदि उनके वस्तु स्वरूप ख्याल में आएगा, वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, तो ये तो और जो श्रोता हैं उन श्रोताओं में तीन कैटेगरी की, एक तो ऐसी जिसको केवल पुण्यबंदी होता है, दूसरी जिसको पुण्यबंद भी होता है पापबंद भी होता है, और एक तीसरा जिसको पापबंद ही होता है। पुण्यबंद किसको होता है कि जिसको ऐसी बुद्धि है कि शास्त्र सुनने से हमारा भला होता है, ऐसी बुद्धि से शास्त्र सुनते हैं लेकिन विशेष रूप से समझ नहीं पाते, उनकी ज्ञान की मंदता इतनी है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन शास्त्र सुनने से हमारा भला होता है, वो हमारे लिए हितकारी है, हित की बात ही बताएगा, इतना जिसका प्रयोजन है उसके केवल पुण्यबंद ही होता है शास्त्र सुनने से। और जो कुल परंपरा से पद्धति बुद्धि से सहज योग बनने से शास्त्र सुनते हैं और कुछ अवधारण नहीं करते, उनको परिणाम के अनुसार जैसा उनका परिणाम होगा उस समय पुण्य, यदि कसाय की ममता होगी तो पुण्य बंद होगा, और यदि कसाय की तीव्रता होगी तो पाप बंद होगा। उसके बाद तीसरे हैं कि जो मदमत्सर भाव से या किसी लौकिक प्रयोजन को साधने की इच्छा से या वाद विवाह करने की इच्छा से, तर्क करने की इच्छा से, या किसी मेहनता के हेतु से शास्त्र सुनते हैं लेकिन उनको शास्त्र सुहाता भी नहीं है, तो ऐसे श्रोताओं को केवल पाप बंद ही होता है। लौकिक प्रयोजन से अर्थ ये हो गया कि
वो मंदिर में आते आके लोगों को दिखाना चाहता है, एक तो अपनी यश की प्राप्ति करना चाहता है कि लोग उसको, लोग उसके ये बोलेंगे देखो कितना अच्छा है, मंदिर आता है, शास्त्र सुनता है, उसकी ऐसी इच्छा है कि यश की प्राप्ति हो, या उसके और भी ये हो कि जैसे धन प्राप्ति की इच्छा भी हो सकती है उसकी कि धन प्राप्ति हो, जैसे वो डेली आ रहा है स्वाध्याय में, तो उसकी ऐसी इच्छा हो कि मैं डेली यदि आऊँगा तो समाज के लोग मुझ पर दया करेंगे, समाज के लोग मुझे कहीं लगा देंगे, कहीं मेरा व्यापार आदि में सहयोग कर देंगे, या धन प्राप्ति, धन का संयोग करा सकते हैं किसी भी तरह से, और भी बहुत सारे लोग के प्रयोजन हो सकते हैं, जितने भी लोग के प्रयोजन हो सकते हैं धन प्राप्ति के, अपने लोभ आदि, कोई भी लोभ हो सकता है उसको, जितने भी लोभ हैं कोई भी लोभ हो सकता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें लौकिक प्रयोजन में, तो जितना भी लौकिक प्रयोजन साधने की उसकी इच्छा हो, कुछ भी हो उसमें लौकिक प्रयोजन में, तो उसको केवल पापबंद ही होता है। ऐसे श्रोताओं का स्वरूप जानना, इसी प्रकार यथासंभव सीखना सिखाना आदि जिनके पाया जाए उनका भी स्वरूप जानना, है ना, कि सीखना सिखाना, पढ़ना पढ़ाना, लिखाना लिखना, उन सब के भी ऐसी स्वरूप जानना कि कौन से वक्ता लिखने योग्य हैं, तो उसका भी जो वक्ता का स्वरूप बताया वैसे बताना कि कौन से वक्ता पढ़ाने योग्य हैं, कौन से वक्ता सिखाने योग्य हैं, तो वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से लेना कि श्रोता भी हैं, कौन से श्रोता सिखाने योग्य हैं, कौन से श्रोता सीखने योग्य हैं, कौन से श्रोता लिखने योग्य हैं, कौन से श्रोता लिखाने योग्य हैं, लिखाने का क्या मतलब बताया था मैंने, कौन से शास्त्र बांसु सुनने योग्य हैं, वहाँ पे वर्ड आया था ये, है ना, आया था ना वर्ड, नहीं आया था ये याद है कि नहीं आया था वर्ड, तो उसका क्या मीन्स बताया था मैंने, देखो आया था ना कि यहाँ बांसना सुनना जिस प्रकार कहा उसी प्रकार जोड़ना सीखना सिखाना विचारना लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। लिखाने का क्या बताया था मैंने वहाँ पे, तो जो बताया था उसको आप देखना क्या बताया था, उसको मैं रिवीजन में बताऊँगा। तो वैसा ही यहाँ भी जानना कि श्रोता भी कौन से लिखाने योग्य है। लिखाने का मैंने वहाँ मीच बताया था कि ग्रंथ आदि का प्रकाशन कराना या किसी नई पुस्तक को लिखाना, उसको बोलते हैं लिखाना, उसका प्रकाशन कराना भी क्या आएगा, लिखाने में आएगा कि ना कौन से ग्रंथ, लिखाने का मीन्स है कि कौन से ग्रंथ प्रकाशन करने योग्य हैं, कि ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी प्रकाशन के लिए पैसा दे दें, कहीं भी कोई भी ग्रंथ प्रकाशित करवा दें, कि कौन से ग्रंथ प्रकाशित करवाने योग्य हैं, कौन से ग्रंथ लिखाने योग्य हैं, ऐसे ही कौन से श्रोता लिखाने योग्य हैं, ऐसा नहीं किसी से भी प्रकाशित करवा लिया, जिसको अन्याय का, जिसने अन्याय से कमाया हुआ हो उसका धन लेके हमने प्रकाशित करवा लिया ग्रंथ, तो कौन से श्रोता लिखाने योग्य हैं, कौन से वक्ता लिखाने योग्य हैं, कौन से ग्रंथ लिखाने योग्य हैं, वो सारी चीज़ें इसी प्रकार जानना। इस प्रकार शास्त्र का तथा वक्ता श्रोता का स्वरूप कहा, सो उचित शास्त्र को उचित वक्ता होकर बाँचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य है, कि शास्त्र भी कैसा होना चाहिए उचित, वक्ता भी कैसे होनी चाहिए उचित, और श्रोता भी कैसे होनी चाहिए उचित, है ना। और उचित शास्त्र कैसे होते हैं, उचित वक्ता कैसे होते हैं, उचित श्रोता कैसे होते हैं, वो हमने देख लिया डिटेल से, है ना। तो श्रोता के स्वरूप में चार चीज़ें आई थी, एक तो नवीन श्रोता का स्वरूप आया, एक सामान्य लक्षण आया श्रोता का, एक विशेष लक्षण आया, और एक जिनकी बहुत ज़्यादा वो नहीं है बुद्धि, लेकिन पुण्यबंध किसको होता है, पुण्य और पाप किसको होता है, और पाप किसको होता है, इस तरह चार बातें आई थी। और कौन से शास्त्र पांचवें सुनने योग्य हैं, उसमें मुख्य रूप से चार ही बातें आई थी कि जो मुच्छ मार का प्रकाशन करे, वीतरा भाव का पोषण करे, जो राग द्वेष मोह आदि का पोषण ना करे, और स्वादवाद चिन्ह से पहचानने योग्य हों, ऐसी चार बातें आई थी। और वक्ता के स्वरूप में उसमें थोड़ी ज़्यादा बातें आई थी, वक्ता के स्वरूप में वो आप देख लेना, है ना, कि जो जिन धर्म का श्रद्धानी हो, जिसको विद्याभ्यास से शास्त्र वाचनीय होकर बुद्धि प्रकट हुई हो, नित्य व्यवहार आदि का स्वरूप जानता हो, जिन आज्ञा भंग करने का भय हो, बहुत खुद ही प्रश्न करके उत्तर देता हो, लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, है ना, और भी आत्मानुशासन की एक गाथा ली थी उन्होंने,
आत्मानुशासन की गाथा से लिख दी, उसकी आशा अस्त हो गई हो, है ना। हाँ तो वो सारी चीज़ें देख लेना, है ना, इजी है बहुत ये तो। और उसके बाद इस पहले अधिकार का एक टॉपिक बच्चा है जो इम्पोर्टेंट भी है कि मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, कि ये ग्रंथ की सार्थकता क्या है, इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस ग्रंथ की सार्थकता क्या है। ये तो नेक्स्ट वीक ही आएगा, अब कल से रिविज़न होगा 3 दिन, है ना। तो आप सब यहाँ तक भली भांति विचार करना, जो भी शंका है पूछ सकते हैं अभी या बाद में ही पूछ सकते हैं, बाकी कैसे रिवीजन लेंगे तो मैं पूछूंगा ही फिर, है ना। मैंने पहले बता दिया है रिवीजन में बताऊंगा कम पूछूंगा ज़्यादा मैं, है ना। तो इसलिए अभ्यास करना अच्छे से, कहीं कोई शंका होगी तो उसको देखेंगे हम। सभी जीव इस ग्रंथ को पढ़ के मोक्ष की मार्ग का प्रकाशन करें। हाँ ये विचार आते हैं तो कहाँ से आते हैं, विचार कहाँ से आते हैं, पूछना क्या चाह रहे हो आप। देखो उसमें है ना, एक अभी आगे दूसरे अधिकार में टॉपिक आएगा, द्रव्य क्रम से भाव क्रम होते हैं, भाव क्रम से द्रव्य क्रम होते हैं, तो उसको भी रीजन बता सकते हैं हम कि कर्म का उदय ऐसा है, होनहार ऐसी है, उसके हिसाब से विचार आ रहा है। लेकिन उससे स्वच्छंद प्रति धारण नहीं करें हम कि द्रव्य क्रम ऐसा आ रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसमें विचार ऐसा आएगा तो आएगा ही, तो ऐसा नहीं है कि विचार ऐसा ही आएगा। कि सिंह की पर्याय में शेर को तो हिरण को खाने का विचार आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से वो विचार चेंज किया, अपना उसी बुद्धि को उन्होंने पर से हटा के अपने में लगाया। तो ऐसा नहीं कह सकते हम सर्वथा कि उसी से होता है, उसको उसी में समझेंगे दूसरे अधिकार में जब द्रव्य क्रम से भाव क्रम आएगा। तो बाकी आप क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हो उसको आप एक बार और अच्छे से देखना, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या पूछना चाह रहे हो, है ना। तो आप वो चीज़ देख लेना एक बार, उसको रिविजन के टाइम पर ले लेंगे। और बाकी अभी यहीं तक करते हैं। जिनवाणी स्थिति निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत्यवार है, वंदना सत्यवार। विद्वासं मे जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म।